सरोकार। सचिव अनिल कुमार झा का बस्तर दौरा, एकलव्य विद्यालय समेत कई जगहों का किया निरीक्षण। जगदलपुर में सचिव रेखचंद जैन ने दिया खेलों का बढ़ावा, खेलों की गतिविधियों के लिए दिए 1,00,000 की राशि। जगदलपुर में पानी की समस्या से ग्रामीणों को मिली राहत, सिंगल विलेज नल जल का किया भूमि पूजन। सुकमा में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा मेले में हुए शामिल, मंत्री कवासी लखमा ने मेले में की पूजा अर्चना। जगदलपुर में भगवान परशुराम जयंती को लेकर हुई बैठक, ब्राह्मण समाज की महिला सदस्यों ने की बैठक। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव, आप देख रहे हैं प्राइम छत्तीसगढ़। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा जी गुमा में आयोजित मेला में शामिल हुए, जहां उन्होंने देवगुड़ी में पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। साथ ही कवासी लखमा ने कई क्षेत्रों में आए लोगों से मुलाकात भी की और लोगों के दिए हुए अभिवादन को स्वीकार किया। साथ ही मंत्री कवासी लखमा देवी गीतों पर थिरकते हुए भी दिखे। जगदलपुर में तोकापाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत बड़े कड़मा में जल जीवन मिशन के तहत विधायक राम राजमन बेंजाम व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलराम मौर्य ने 85.93 लाख के सिंगल विलेज नल जल प्रदाय कार्य का भूमि पूजन किया। बता दें कि इस योजना से बड़े कड़मा में सैकड़ों ग्रामीण लाभान्वित हो गए। साथ ही विधायक राजमन बेंजाम ने कहा, मैंने जब प्रदेश के मुखिया को इस समस्या से अवगत कराया तो उन्होंने मेरे क्षेत्र की इस समस्या का निराकरण करते हुए जल जीवन मिशन के तहत मेरे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया है। जगदलपुर में विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने धन पूंजी मेला आयोजन के लिए 1,00,000 रुपए का चेक और खेल गतिविधियों के लिए 1,00,000 का चेक दिया। इस दौरान सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा अनुरूप और निर्देश पर नगरनार स्टील प्लांट प्रभावित क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में मेला मंडई और खेल आयोजनों के लिए राशि प्रदान की गई है। हमारी सरकार आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रही है। मेला मंडई हमारी आस्था का केंद्र है और इसके लिए हमारी सरकार लगातार राशि आवंटित कर रही है। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार झा अपने बस्तर जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एकलव्य विद्यालय, रेशम धागा प्रसंस्करण केंद्र समेत कई जगहों की गतिविधियों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने बस्तर कोसा के उत्पाद का बेहतर प्रचार प्रसार करने के साथ ही साथ दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आउटलेट खोलने के निर्देश भी दिए। इस पर आयुक्त आबिदी ने बताया कि उत्पाद की बिक्री के लिए कई ऑनलाइन कंपनियों से चर्चा की गई है। जगदलपुर में 22 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती मनाने के लिए ब्राह्मण समाज की महिला सदस्यों ने बैठक की, जो कि सरयूपारण ब्राह्मण समाज भवन में रखी गई। इस दौरान ब्राह्मण समाज द्वारा समाज को संदेश देते हुए बताया गया कि आजकल की युवा पीढ़ी मोबाइल के दौर में संस्कारों को भूलती जा रही है। हमारे संस्कार ही हमारी पहचान है और हम समाज की महिलाएं अपने बच्चों को ये संस्कार दे रही हैं, वे और अपने से बड़ों को चरण स्पर्श करने की आज्ञा देरी चरी का चरण के दोनों अंगों को स्पर्श करना जरूरी है, ना कि आधे चरण स्पर्श करना। लाना चाहेंगे क्योंकि आज हमारे सनातन धर्म की अस्मिता की बात है और हर महिला चाहेगी कि उनका परिवार जो है सनातनी हो, धर्म प्रेमी हो, अनुशासित हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो,
तो मुझे नहीं लगता कि महिलाएं कोई कसर छोड़ेंगी इस अवसर को जीने के लिए। हमारी एक योजना है, हम चाह रहे हैं कि परशुराम प्रकट उत्सव का जो वो है वो बीत जाए, जो रैली होकर शोभा यात्रा वगैरह सब ये संपन्न हो जाए। क्या ये बैठक सिर्फ जयंती मनाने के लिए है या फिर बाद में भी आप लोग इस तरह की? वहीं जगदलपुर में मुख्यमंत्री विशेष आर्थिक सहायता मद से प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में बीमार और जरूरतमंदों को 4,35,000 की राशि दी गई। इस मौके पर विधायक जगदलपुर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारी सरकार में अब गरीबों वंचितों को जो किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार ऐसे लोगों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर है। जैन धर्म गुरु आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग प्रवास पर अकलतरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपनी यात्रा अंतर्मन के विषय में बताया, साथ ही जीवन के कई सूत्र बताए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अकलतरा नगर पुराने समय से ही जैन धर्म के लोगों के लिए धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखती है और जैन धर्म के अनुष्ठानों के लिए अकलतरा का पूरे भारत में अपना अलग स्थान है। जैन धर्म के आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज अपने संघ के साथ अकलतरा प्रवास पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपनी यात्रा के अंतर्मन्ना के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कई महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। इस यात्रा का उद्देश्य है नष्ट होती नैतिकता, गुम होते आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, लुप्त होती आगम परंपरा, साहित्य का संकेत करना। आज का व्यक्ति पढ़ना कम पसंद करता है, देखना सुनना ज़्यादा पसंद करता है। फिर हमने कहा था जब साहित्य फुटपाथ पर बिकना शुरू हो जाए और जूते चप्पल कांच के सूटकेस में बिकना शुरू हो जाए तो मान के चलना अब हमारे देश को ज्ञान की नहीं जूते चप्पल की आवश्यकता है। आचार्य प्रसन्न सागर जी ने उद्देश्य बताते हुए कहा कि नष्ट होते नैतिकता, गुम होते आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, लुप्त होती अगम परंपरा, साहित्य का शंखनाद करना। आज के लोग पढ़ना कम पसंद करते हैं, देखना और सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। आज देश में भाई तो जिंदा है पर भाईचारा मर रहा है। दुनिया का हर गरीब अमीर बनना चाहता है, हर अमीर सुंदर दिखना चाहता है, कुंवारे लड़के शादी करवाना चाहते हैं और शादीशुदा इंसान मरने की सोचता है। आज की हमारी युवा पीढ़ी खूब ऊर्जावान है, बुद्धिशाली है पर दिशाहीन है। और जब तक हमारे पास ऊर्जा हो विवेक ना हो, दिशा है गति है पर दिशा नहीं है, हम भटक रहे हैं। आप देखो बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। जब साहित्य फुटपाथ पर बिकना शुरू हो और जूते चप्पल कांच के शो कैश में बिकना शुरू हो जाए तो मान के चलना हमारे देश को ज्ञान की नहीं जूते चप्पल की आवश्यकता है। आज देश में भाई तो जिंदा है पर भाईचारा मर रहा है। दुनिया का हर गरीब अमीर बनना चाहता है, अमीर सुंदर दिखना चाहता है, कुवारे शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा इंसान मरने की सोचते हैं। आज की युवा पीढ़ी खूब ऊर्जावान और बुद्धिशाली है पर दिशाहीन है। और जब तक हमारे पास ऊर्जा हो विवेक ना हो गति है पर दिशा नहीं है तो हम भटक रहे हैं। आज पढ़े लिखे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं हमारे कद पद से बहुत ज्यादा है। इस विषय में कहा गया है कि आज के बच्चों में थोड़ा सा पेशेंस हो जाए, थोड़ा सुनना सीख ले, थोड़ा सहन करना सीख ले और थोड़ा झुकना सीख ले। अगर ये तीन बातें उनके अंदर आ जाती है और इन तीन बातों को हर व्यक्ति 24 घंटे अपने साथ रखे, सॉरी, थैंक यू और प्लीज, ये तीन शब्द ऐसे हैं जो अधमरे व्यक्ति को खड़ा कर सकते हैं और जिंदा को मुर्दा कर सकते हैं।
आज हमारे घर परिवार और कल्चर से खत्म हो रही है। मनुष्य कर्तव्य को कष्ट मान रहा है और जब तक कर्तव्य को कष्ट मानता है जीवन बोझ बन जाता है और बोझ गधे ढोते हैं। जब व्यक्ति जीवन को बोध पूर्वक जीता है तो बुद्ध बन जाता है। जीवन में कर्तव्य बोझ नहीं है बल्कि जीने की शैली है, जीने की प्रणाली है, रीति है, रिवाज है। हमने महावीर को देखा नहीं है मगर उन्हें अपना आदर्श माना है। राम को नहीं देखा मगर राम हमारे आदर्श हैं। हनुमान को नहीं देखा मगर उनके पद चिन्हों पर हम इसीलिए चलते हैं क्योंकि उन्होंने जो समर्पण किया था भगवान के प्रति, वैसा समर्पण मैं भगवान के प्रति करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने आप को तिनके के भांति सौंपा और अब कुछ पा लिया। पहले व्यक्ति 10 से 15 रोटी खा लेता था, आज के बच्चे 2 रोटी खाते हैं तो दिन भर सोचते हैं क्योंकि मुझे तो चौमिन खाना है, इडली खाना है। जैसा भोजन वैसा शरीर, आज शरीर में ना ऊर्जा है ना ताकत और ना ही शरीर। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।